Contestant number 14. Anushka. Next is contestant number 10. Contestant number 13. Contestant number 9. Contestant number 9. Contestant number 12. Contestant number 2. Contestant number 2. So these are the 6 finalists. Ye 6 log jo hamare sath aage ja rahe hain. Who are going to appear for the question and answer round? All the best winners and those who have been able to make to the final round. This is not just the end. There are lots of opportunity on your way, and all of you are talented in your own way. All of you are unique. डस्टबिन लगा दें और कूड़ा बाहर ना फेंके। ये मैसेज मैं परसों से लेकर के आप लोगों को सुना रहा हूँ। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन यहाँ मैं पूछूंगा और यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी भीड़ में मैं ये मौका चूकना नहीं चाहता कि मैं ये मैसेज आप सब लोगों को अपने हाथों अपने मुंह से पहुंचाऊं। कृपया रोडों को साफ बनाने में और इसको स्वच्छ रखने में सहयोग दें। आपका शहर है, साफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां कम लगेगी और हमारा शहर सुंदर दिखेगा। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर हिंदी में भी बताऊँगा। हाँ, बैठ के लिखना, खड़े होकर लिखना, जैसे लिखना बैठ कर। 2 मिनट का वक्त आपको मिलेगा। क्वेश्चन है, इफ नॉट यू, हु डू यू थिंक शुड विन एंड व्हाई? अगर आप नहीं तो आपको क्या लगता है आप में से किसको जीतना चाहिए और क्यों? ये आपका क्वेश्चन है। आर यू एक्साइटेड? रोडू तालियां बजा दो, एक बार हल्ला बजा दो, हल्ला। यहाँ तक पहुंचे और आज इनमें से एक मिस रोहू चुनी जानी है, जो बहुत गर्व होने का विषय है, जो बहुत गर्व का विषय है। जो लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है, सबके लिए एक बराबर है रूल। ओके ओके, वी विल स्टार्ट विद कंटेस्टेंट नंबर 40। रैंडम ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे विश्वास है कि मिस वर्ल्ड 2018 जीतने के लिए मैं डिजर्विंग कंटेस्टेंट हूं, लेकिन अगर मैं नहीं जीतती हूं, वैसे मैं डिजर्विंग कंटेस्टेंट हूं, लेकिन अगर मैं नहीं जीतती हूं तो मुझे लगता है कि इस मंच से कोई ऐसी लड़की आगे जानी चाहिए जो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए, हमारे लोकल ट्रेडिशन, हमारे लोकल कल्चर को आगे लेकर के जाए। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं नहीं तो मैं अपना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ऐश्वर्या को देखती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं नहीं तो इस मंच पर जीतने के काबिल ऐश्वर्या है। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन जजेस। आई बिलीव दैट आई हैव दैट कैपेबिलिटी टू विन दिस टैलेंट। All are deserving, but I believe that I'm a very confident girl, which is the biggest quality that a candidate must have. All the contestants gave me a tough competition, and due to that, I have to work very hard to show my best. I have the patience and love that a candidate must have. Thank you. आपको लगता है आपको स्वयं जीतना चाहिए? आइए उसी कड़ी में हम जानते हैं आरुषि से, कंटेस्टेंट नंबर 13, आपको क्या लगता है? थैंक यू जजेस फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मुझे लगता है मैं जीतनी चाहिए। अगर आपके देखने का नजरिया खूबसूरत हो तो पूरी इंग्लैंड आपको खूबसूरत लगती है, और अगर आपके बोलने और विचार करने का नजरिया खूबसूरत हो तो पूरी दुनिया को आप खूबसूरत लगते हैं। मुझे लगता है मुझमें ये दोनों चीजें, यहाँ सभी लोग ब्यूटी विद ब्रेन को ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है ये मुझ में है। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसी कड़ी में रचना मैम अब आपसे जानते हैं कंटेस्टेंट नंबर 6 आपका जवाब क्या। Thank you.
बताइए निकल में आपको बहुत बहुत बधाई पूरी कमेटी की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं Okay, so we have a appreciation award for tag number, tag number 9 के लिए हमारे पास appreciation award है मेरी गुजारिश है कि हमें भी honor किया जाना है आप सभी में honor करते हैं हम आप ही honor करते हैं आप बहुत अच्छा आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हम आपका बहुत ही बड़ा सो शुक्रिया अदा करते हैं और Something for our winners. Hello everyone. Congratulations winners and everyone. हम एक special announcement कर रहे हैं हमारे रोडू winners के लिए Miss रोडू and our first runner up and second runner up. So हमारा gift ये है कि हमारे top 3 runner ups को Miss हिमाचल 2019 के semi finale में direct entry मिलेगी. ये बहुत बढ़िया opportunity है. Top 3 runner up. वो सीधा जाएंगे. कृतिका कुछ कहना चाहती है कैसा रहा कृतिका यहाँ तक का सफर और कितना खुश है आई डोंट हैव वर्ड्स टू से फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय टीचर्स Because without their support, I'm nothing. All thanks to all my teachers because they had inspired me to come here. And thanks to my family who supported me at every step of my life. As I had said in my introduction once, that yes, I am an achiever and I had proved it today. Big thanks to all judges because they had supported us a lot. And most of all, thanks to SDM sir because it's all because of sir that we can fly today. Thank you so much and it was a wonderful journey. I had not expected to be here. I'm so very happy. Thank you so much. सबसे योगदान दिया एस डी एम साहब के लिए छोटा तालियां बजा दीजिए आपकी तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए शुक्रिया सर आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहे हम चाहते हैं फोटो होती बनती 1000 की राशि के आधार पर बचा दी जाएगी और साथ ही साथ हमारी जो फर्स्ट रनर अप है 10,000 आपके अकाउंट में और जो हमारी विनर है 15,000 की राशि आपके अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सबर यही संपन्न होता है सिर्फ एक कहूंगा हर कोई हंसता है रोने के बाद हर कोई होता है हंसने के बाद जाते जाते अलविदा कहता चले क्या पता खुदा मौका ना दे मिलने का अब जुदा नहीं हमारी विजेता जोरदार तालियां एक बार कृतिका के लिए कृतिका पार्टी तो बनती है जरूर ना जी इसके बाद आरुषि हमेशा ऐसे ही हंसते रहना आपके दांतों की खूबसूरती ने आपको मिस ब्यूटीफुल स्माइल बना दिया आप हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहें हमारी ऐसी दुआ है चमन के फूल की तरह खुशबू अपनी बिखेरती रहें अपनी छटा बिखेरती रहें और इसके बाद आप मिस पर्सनैलिटी बनी हैं इस अवार्ड के और इस वर्ड के बहुत मायने हैं पर्सनैलिटी वो बनता है जिसके अंदर झलक होती है वो बनने की आप बिल्कुल डिसिप्लिन है और सबसे बड़ी बात है आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप आने वाले समय में बहुत अच्छा आई एम प्राउड ऑफ यू यस इधर देखना थैंक यू सो मच Oh, no, be there,